बहुत एक्साइटेड है कि हमारी फिल्म में कई कैटेगरीज में हमारी फिल्म नॉमिनेट हो चुकी है, सो आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट। इतने सारे फिल्मों में आपकी फिल्म अगर नॉमिनेट होती तो वही अच्छी बात है, उसके बाद अगर जीत जाए तो सोने पे सुहागा। नॉमिनेशन मिलना बहुत बड़ी बात है, अच्छा लगता है। यहाँ तक पहुँचेंगे तो पहुँचे हैं तो इंशाल्लाह आगे भी जाएंगे। मैंने बस 3 फिल्में करी हैं, मेरी पहले इस फिल्म में भी मुझे नॉमिनेट किया गया था बेस्ट एक्ट्रेस में, अगेन आई बी नॉमिनेटेड, सो आई फील रियली रियली हैप्पी। आई कुडन्ट हैव इमेजिन इट फॉर मायसेल्फ, इट्स एक्चुअली द बेस्ट एक्टर कैटेगरी व्हिच इज एन इवन बिगर डील फॉर मी सिंस इट्स माय फर्स्ट परफॉर्मेंस, एंड टू बी नॉमिनेटेड अलोंग विद द स्टॉलवर्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री, मिस्टर शाहरुख खान, मिस्टर सलमान खान, अजय देवगन, ऋतिक रोशन, आई मीन आई हैव ग्रोन अप लुकिंग अप टू दीस गाइस, सो इट्स अ ग्रेट फील। बहुत अच्छा लग रहा है, बिग स्टार अवार्ड्स, म्यूजिकल अवार्ड्स, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी तरुण कचार एंड टू एवरीवन, और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस शो। बहुत अच्छी बात है, मैं तो समझता हूँ कि म्यूज़िक के और इस तरह के जितने भी शो हों, और ये तो अलग तरह का है ज़रा, इसमें टेलीविजन भी शामिल है, दूसरी चीज़ें भी शामिल हैं, बहुत अच्छी बात है और खुशी की बात है, द मोर द मेरियर। बॉलीवुड का सबसे बड़ी एंटरटेनर बॉलीवुड की फिल्में हैं। एंटरटेनर तो इस साल का अवार्ड आपको सलमान खान को देना पड़ेगा, ही इज द बेस्ट एंटरटेनर। अवार्ड्स मिलना नहीं मिलना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इसको अटेंड करना चाहिए, इसका भाग लेना चाहिए, क्योंकि इट्स आवर इंडस्ट्री एंड वी हैव टू कम पार्टिसिपेट एंड बी पार्ट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर, एंड आई रियली होप दैट आई एम गोना एंजॉय दिस। कॉम्पिटिशन ऐसा नहीं देखता, अभी नॉमिनेट होते होते मैं यूज्ड टू हो गया अभी उतना कंपटीशन की तरफ नहीं देखता हूँ। अवार्ड्स अच्छे होते हैं, प्रोत्साहन होता है ज्यूरी से और लोगों को शाबाशी मिलती है और अच्छा आगे करने का मौका मिलता है, दैट्स वेरी, दैट्स द ओनली गुड थिंग अबाउट अवार्ड्स। कुश्ती का कोई मैच नहीं है जिसको नहीं मिला, इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा नहीं है, उसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर ज्यूरी को ये लोग बेहतर लगे और एक प्रोत्साहन के रूप में लेना चाहिए।